तो उसके बाद ये है मेडिसिन, मेडिसिन 500 रुपीज पर मंथ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्थ बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है फॉर हाउसवाइफ के लिए, बहुत ही बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इस तरीके का वीडियो लाऊंगी। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप किस तरीके से अपना घर खर्च चलाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है जिनके पास सिर्फ एक ही जगह से अर्निंग हो, एक ही स्रोत हो पैसा आने का घर में। तो हमें बहुत ही सोच समझ के चलना होता है। और फिर बहुत से लोग ये भी कहते थे कि आप अच्छे, मतलब आपकी तो अर्निंग एक ही जगह से आती है, फिर भी आप इतने सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं, फ्लैट लेना और शॉपिंग वगैरह ऑल दैट। बहुत चीजें उन लोगों के मन में बहुत सारी सवाल आ रही थी। और आपके हस्बैंड का कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, प्राइवेट जॉब करते, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? तो वही मैं आपको बताऊंगी, एक एक पैसा मतलब एक एक पैसा जोड़ के मैं किस तरीके से अपना घर चलाती हूँ, किस तरीके से अपना घर मतलब खर्च में से भी कुछ बचा लेती हूँ। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये रहा मेरी नोटबुक ही बोलेंगे, इसमें मैं अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी भी मैंने लिखा हुआ है। ये मेरी पर्सनल कॉपी है, ये डायरी है मेरे पास, ये रफ है और डायरी अलग रखती हूँ मैं। इसमें जो भी चीजें होती है वो मैं इसमें नोट डाउन करके रख लेती हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं, यूजफुल कैसे होने वाली है। यूजफुल ऐसे होंगे आप लोगों के लिए अगर आपके घर में भी एक ही इंसान कमाने वाला हो। तो आप, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए जो लोग काफी टाइम से चला रहे हैं घर को, उनको तो खैर नॉलेज होती है। मैं अपनी बता रही हूँ पर्सनली कि जब मैंने कभी एक कहते ना दूध की थैली, नमक की थैली भी नहीं लाती थी, मुझे नहीं पता था कितने का दूध का थैली आता है, कितने की नमक कितने की क्या चीजें आती है, मुझे नहीं पता थी शादी से पहले। और एकदम से जिनके ऊपर बर्डन पड़ जाती है ना, तो समझ ही नहीं आता है कि क्या करे और क्या ना करे। मैं पूरे 6 महीने तक बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा मेरे पे प्रेशर रहा कि मैं कैसे अपने घर को मतलब घर मेरे पास, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपनी स्टोरी किसी टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे पास एक डब्बा भी नहीं था कि जिसमें मैं कुछ चीज रख सकूं। उस टाइम पे मैंने मतलब एक एक तिनका जोड़ के मैंने अपना ये घर, जो अभी आप लोग देखते हैं मुझे ब्लॉग में, कि मैं कैसे एक एक चीज मैंने जोड़ा है, किस तरीके से जोड़ी हूँ, उस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए मेरी जर्नी सुनना चाहते हैं तो, कि मेरे घर में एक डब्बा भी नहीं था। और आज देख लीजिए, आप लोग खुद देख सकते हैं ब्लॉग में, जो लोग नहीं देखते तो पिछले ब्लॉग जाके देख सकते हैं आप लोग। तो वही सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और उनके बारे में मैं पर्सनल एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर और डीपली जानना है कि वो क्या करते हैं, अभी भी स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी वगैरह में क्या कर रहे हैं, तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगी। क्योंकि इसमें, इस वाले वीडियो में मेरा मेन जो पर्पस है वो ये है कि मैं किस तरीके से घर चलाती हूँ। और एक हाउसवाइफ के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको भी समझ नहीं आता है कि आप अपने आपको कम से कम पैसों में भी आप किस तरीके से अच्छा अपनी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का यही रहता है ना कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा, मतलब ज्यादा अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, अपनी जो मनपसंद चीजें हैं वो ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी शायद आप लोगों के को हेल्प मिल जाए मेरी इस वीडियो से। तो चलिए मैं बता देती हूँ, इसको तो मैं आपको बैक कैमरे से ही दिखाऊंगी, पूरी मैंने अपनी एक चार्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देती हूँ, अगर आपकी मंथली चाहे जितनी हो, चाहे 10,000 हो, 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, सबसे मेन जो एक, अगर आप घर चलाते हैं तो मेन चीजें जो ट्रिक होती है ना, वो ये होती है कि आपको कहीं पे भी एक, आप अपनी पर्सनल कॉपी नोटबुक जैसे मैंने बनाया उस तरीके से आप बना सकते हैं। उसमें आप एक, जिस तरीके से मैं अभी आपको बताऊंगी उस तरीके का एक कॉलम बनाइए मंथली वाइज, कितना कितना किस चीज का खर्च है। उसमें आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कितना खर्च हो रहा है, और उसमें से ही आप सोच सकते हैं कि मैं कहाँ से पैसे बचा सकती हूँ। तो इस तरीके की मुझे जो मिलता है, मुझे 20,000 रुपीज मिलता है पर मंथ घर चलाने के लिए, उसी में मुझे घर चलाना होता है, उसी में ही मुझे अपने जो भी चीजें हैं मुझे लेना, उसी में से ही लेना होता है। उसमें से मैं सेविंग भी करती हूँ। तो कैसे सेविंग करती हूँ पहले आप लोग देख लीजिए, बैक कैमरे से मैं आपको दिखा देती हूँ नोटबुक को, पूरा मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए पहले बैक कैमरे से आप देख लीजिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा है, पिकाचू पिकाचू। ये मेरी यूट्यूब की सारी वो लिखी हुई है, ये सब तो मैं बाद में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सबसे पहले ये देखिए, ये मुझे 20,000 रुपए मिलता है घर चलाने के लिए। कितनी सैलरी है, प्रॉपर सैलरी तो मैं नहीं बताऊ, मतलब यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी कि कितनी सैलरी है मेरी जो हबी है उनकी। मैं यहाँ पे बस यही बता रही हूँ आपको, ये 20,000 रुपए में मैं किस तरीके से घर चलाती हूँ। तो आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, शायद थोड़ा भी यूजफुल लगे तो प्लीज गाइस एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जाता है हमारा रूम किराया 3,000 रुपए, बिजली बिल पानी लगा के 1,000 रुपए। ये हमारा EMI है, जो कि हमने जो घर लिया हुआ है उसकी EMI जाना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ज्यादा इस टाइम पे हमें सोच समझ के चलना पड़ रहा है। तो EMI जाता है हमारा 6,000 रुपए, मैंने 5,000 लिखा था लेकिन फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं 6,000 जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फेक कुछ भी झूठ नहीं बताना है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप हमारी फैमिली है, झूठ नहीं बोल सकते हम लोग। तो उसके बाद ये है मेडिसिन 500 रुपीज पर मंथ निकालते हैं, जिसमें हमारी मेरी भी कुछ पर्सनल चीजें होती है और थोड़ी बहुत इधर उधर की मेडिसिन आ ही जाती है इतने की। दूध का 1,500 रुपए है, क्योंकि दूध हम लेते हैं कितना बोलेंगे उसको, 1 किलो और 1 पाव, उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं समझ आ रहा है, 0.5 किलो और 1 पाव दूध आता है, जिसका 1,500 रुपए जाता है मंथली। और उसके बाद यहाँ पे सब्जी का 1,000 रुपए निकालो, जिसमें सब्जी और पानी दोनों आता है 1,000 रुपए में। तो यहाँ पे मैंने पानी नहीं लिखा है एड ऑन, सोचेंगे यहाँ पे भी पानी और यहाँ पे भी, तो वो पानी जो है मेरा वो जो मकान मालिक होते हैं जिनमें जैसे नहाना धोना वो पानी, और यहाँ पे पीने का पानी की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम राशन, तो राशन मेरा आता है आटा 10 किलो 400 रुपए का, चावल 15 केजी आता है 600 का, चीनी 3 केजी 120 रुपए, चीनी ज्यादा क्योंकि खीर या हलवा वगैरह बनता ही रहता। तेल 3 लीटर आता है 300 का, रिफाइन 1 लीटर 100 रुपए का, दाल आ जाता है 3 किलो 250 रुपए का, दाल का एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था तो मैंने एक अनुमान लगाया है जस्ट। और यहाँ पे टोटल होता है 1,720 रुपए, तो यहाँ पे मैंने 2,500 रुपए राशन का निकाला है, क्योंकि इसमें आता है सर्फ साबुन चाय पत्ती वगैरह, उसके लिए मैंने अलग से, क्योंकि पूरा नहीं लिख सकती थी ना यहाँ पे, तो इसलिए हम खर्च निकालते हैं राशन का 2,500 रुपए। तो ये टोटल जो हुआ 15,000 हो गया, 15,500 रुपए, जिसमें अब इधर अब मैं आप लोगों को EMI दिखाती हूँ। मेरा फोन का EMI जाता है 500 रुपए, लैपटॉप का जाता है 1,500 रुपए EMI, तो टोटल यहाँ पे हो गया है 17,500। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेविंग हम करते हैं 2,000 रुपए पर मंथ, इसी में से आप खुद सोच सकते हैं 20,000 में से हम सेविंग भी करते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए थोड़े बहुत तो अपने सेविंग होना चाहिए। ये मेरी मतलब मैं सेविंग करती हूँ 2,000 रुपए, ये एक्सटर्नल खर्च के लिए मैं 1,000 रुपए अपने पास रखती हूँ, जैसे कभी आना हो गया, कहीं जाना हो गया या मार्केट जाना हो गया, तो इसी में मुझे सब कुछ करना होता है। और यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है पास में रखते हैं। और उसके बाद है थैंक यू और हैप्पी, जितना हो उतने में ही खुश रहना चाहिए इंसान को। तो ये जो साइन मैंने बनाया है इसका मेन मतलब यही है कि जितना हो आपके पास उतने में ही अच्छे से चलाएं और खुश। तो देख लिया आप लोगों ने कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। और रही बात शॉपिंग वगैरह की, तो शॉपिंग हम मंथली वाइज करते हैं, जैसे अगर एक मंथ में मेरा शॉपिंग हुआ तो दूसरे मंथ में मनीष जी का होगा, फिर तीसरे मंथ में बाबू का होगा। ऐसा नहीं कि एक ही मंथ में मैं भी ले लूंगी, वो भी ले लेंगे, बाबू भी लेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है हम मिडिल क्लास लोगों के लिए। मैं इस तरीके से अपनी घर चलाती हूँ, जो भी चीजें होता है मेरा मैं थोड़े थोड़े करके ही लेती हूँ, एकदम से मैं कोई भी चीजें एकदम से नहीं ले सकती हूँ। इस टाइम पे आप लोगों को पता ही होगा कि इस टाइम पे थोड़ी सी और हम मतलब एडजस्ट करके चल रहे हैं, बिकॉज हो सकता है तो जनवरी फरवरी या मार्च में आप लोगों को गुड न्यूज मिल जाएगा कि हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे गुड न्यूज का मतलब आप लोग कुछ और भी समझने लगेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया अपने घर में, क्योंकि अभी जितना हो सकता है हम बचा सकते हैं तो शायद आगे फ्यूचर में हमारे लिए ही अच्छा होगा, इसीलिए इस टाइम पे थोड़ी सी एडजस्ट करके चल रहे हैं। बहुत से लोग बोलते भी हैं कि आप दूसरा फोन ले लो, आप कुछ ट्राईपॉड ले लो, ये ले लो, तो ये सब चीजों को वो चीजें अभी ले रही हूं मैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं।
जो हमारी नीड है वही चीज ले रहे हैं, जो कहते हैं ना जो शौक है इच्छा है उसको हम नहीं ले रहे, वो हम बाद में मतलब बाद में ले सकते हैं, इस टाइम पे नहीं। तो और जितना हो आपके पास उतने में ही खुश रहे, कभी किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होड़ करने से ना घर में प्रॉब्लम होती है और खुद भी थोड़े से दुखी रहते हैं, तो इसीलिए जितना हो उतने में ही खुश रहना चाहिए लोगों को। तो चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी मैंने आज पूरी कर दी। तो चलिए गाइस बाय बाय।